रॉयल रंबल 2023 तो हो गई खत्म। कई लोगों को रंबल अच्छी नहीं लगी क्योंकि कोई भी सरप्राइज और कोई भी ट्विस्ट नहीं था, पर कई लोगों को ये रंबल खासी पसंद आई क्योंकि उनके फेवरेट सुपरस्टार्स यानी कि कोडी रोड्स ने रंबल जीता और रोमन रेंज ने भी एक शानदार जीत हासिल करी। पर दोस्तों, इस वीडियो में हमारे पास है कई सारी बड़ी अपडेट कि रॉयल रंबल के बाद क्या क्या नई अपडेट आई जो हमें अब मंडे नाइट रॉ में नई राइवलरी और स्मैकडाउन में नए मैचेस देखने को मिलेंगे, सब करेंगे इस वीडियो में डिस्क्लोज। मेरा नाम है दोस्तों नितिन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं साल 2023 के रंबल विनर के बारे में, यानी कि कोडी रोड्स। कोडी रोड्स ने दोस्तों रॉयल रंबल में 30वें नंबर पे एंट्री लेके रंबल जीत लिया। अब वो रेसलमेनिया 39 की नाइट 2 को मेन इवेंट करेंगे। दोस्तों, कोडी रोड्स ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में रिवील करा कि वो रंबल के दौरान भी जब वो अपनी रिटर्न कर रहे थे एक इंजरी के बाद, उन्होंने अपने आप को फिर से इंजर्ड कर लिया। उन्होंने बताया कि उनके ईयर ड्रम में कुछ चोट आई, उसके बाद उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर उन्होंने साथ में ये भी कहा कि रॉयल रंबल का क्राउड इतना ज्यादा लाउड था कि वो बहरे हो चुके थे, पर फिर भी कुछ आवाज उनके कानों में क्राउड की आ रही थी। इसके अलावा दोस्तों, कोडी रोड्स ने ये भी कहा कि वो कभी भी दोबारा से रेसल करना तो नहीं चाहते गुंटर यानी कि रिंग जनरल को। उनका मानना है कि गुंटर रिंग जनरल काफी ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन है, वो इंतजार नहीं कर सकते उनसे लड़ने के लिए द्वारा, पर वो अब उनसे लड़ना नहीं चाहते। देखा जाए तो 72 मिनट गुंटर रिंग जनरल ने इस साल के रंबल में बिताए थे और एक अच्छा खासा नाम भी कमा लिया। कोडी रोड्स ने दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को भी, जो उनके अगले अपोनेंट हो सकते हैं, उन्हें भी एक्नॉलेज करते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन रेसलर रोमन रिंग्स ही हैं और वो अपने आप को रोमन रिंग्स से आगे नहीं रख सकते। यानी कि कोडी रोड्स रंबल विनर ने साफ साफ ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ बड़ी इंजरी अपडेट्स दोस्तों हमें रंबल में, सोनिया डेविल और रिया रिप्ली दोनों इंजर्ड होती हुई दिखी। सोनिया डेविल के आंख के ऊपर चोट आई और रिया रिप्ली के नाक में खून निकला। साथ में रिया रिप्ली ने बताया कि उनकी नी भी डिसलोकेट हो गई थी पर जो मैच के दौरान दोबारा से सही हो गई, पर अब उनको बिल्कुल सही लग रहा है। दोस्तों, इसके अलावा रे मिस्टीरियो पे भी बहुत बड़ी अपडेट आई है कि आखिर रे मिस्टीरियो ने रंबल के 17वें नंबर की एंट्री पे अपनी रंबल में एंट्री क्यों नहीं करी। दोस्तों, रिवील करा गया कि पहले रंबल में हमें रे मिस्टीरियो देखने को मिलने वाले थे, पर स्मैकडाउन में कैरियन क्रॉस के खिलाफ रे मिस्टीरियो ने मैच खेला तो इस मैच के दौरान रे मिस्टीरियो इंजर्ड हो गए और इसी वजह से हमें रे मिस्टीरियो रंबल के मैच में देखने को नहीं मिले। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जो रंबल में सिर्फ 3 मिनट में ही एलिमिनेट हो गए थे बॉबी लैशली के हाथों से। पर इन 3 मिनट के दौरान उन्होंने फेस ऑफ करा था रिंग जनरल गुंटर के साथ। दोस्तों, काफी ज्यादा इस मैच की चर्चा शुरू हो गई कि शायद रेसलमेनिया 39 पे हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंटर का मैच ही देखने को मिल जाए। पर दोस्तों, एज पर कंफर्मेशन, ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंटर का मैच अभी के लिए तो तय नहीं हुआ है रेसलमेनिया 39 पे। ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली को ही रेसलमेनिया 39 पे फेस करेंगे, पर जिस तरीके का क्राउड का रिएक्शन इस मैच के लिए आया था, शायद WWE इसी मैच के साथ आगे बढ़ भी सकता है। इसके बाद दोस्तों, बात करेंगे एलेक्सा ब्लिस और ब्रे वाट के बारे में। दोस्तों, ब्रे वाट ने पिच ब्लैक मैच में तो बहुत ही अच्छा अपना एक्साइटिंग रूप दिखाया, हाउडी अंकल भी देखने को मिले, पर दोस्तों एलेक्सा ब्लिस फिर से अपना रॉ वुमेन्स टाइटल मैच हार गई, जिसके बाद फिर से हमें हाउडी अंकल और ब्रे वाट का टीजर देखने को मिला, जहां पे फिर से टीज करा गया कि शायद एलेक्सा ब्लिस अपने डेविल करेक्टर में दोबारा से लौट जाएगी और हमें उनका ब्रे वाट के साथ रीयूनियन देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ दोस्तों रॉयल रंबल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ब्रे वाट कहते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि एलेक्सा ब्लिस और वो एक साथ हमेशा के लिए साथ हो चुके हैं और जल्द ही किसी ऐसे पल वो एक साथ अपनी रीयूनियन करते हुए दिख सकते हैं। यानी कि बात बिल्कुल साफ है, एलेक्सा ब्लिस को टेबल ब्रे वाट को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके बाद हमारी आज की आखिरी खबर,
दोस्तों सैमी जैन ने रोमन रिंग्स पे अटैक करा और ब्लड लाइन से उन्हें निकाल दिया गया। सैमी जैन की पिटाई भी हुई। रोमन रिंग्स ने उन्हें आखिर में कहा कि सैमी जैन अब तो ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है। दोस्तों WWE अब चाहती है क्योंकि क्राउड का रिएक्शन इतना ज्यादा बेहतरीन सैमी जैन के लिए देखने को मिला, इसीलिए सैमी जैन वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच हमें कोडी रोड से पहले होता हुआ दिख सकता है किसी पेपर व्यू पे। WWE इस रिएक्शन को देखने के बाद तो ये तक सोच रही है कि शायद रेसलमेनिया 39 पे हमें रोमन रिंग्स वर्सेस सैमी जैन का एक इमोशनल मैच ही करवाना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सैमी जैन वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो अपने इमोशंस के साथ रोमन रिंग्स से चैंपियनशिप छीन पाएंगे? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।